हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम सभी क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2024 यानी कि 2024 के जितने भी प्रश्न कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कंप्लीट बुक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसे मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कक्षा 10 गणित के, वो आप सभी को पता चल जाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। मेरा नाम मिलन मिश्रा है, चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। पहले साथ ही ये आपके कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ की बुक है, आप सभी जानते ही होंगे, तो मैंने मार्क किया है और हर चैप्टर का यानी कि कंप्लीट बुक में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको बताने वाला हूं। उसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में प्यारे साथी 95% पक्का हो जाएगा मैथ में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे साथी, वास्तविक संख्याएँ पहला चैप्टर है, अब हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं पहले एक्सरसाइज 1.1 में। तो प्यारे साथी, अगर आप एक्सरसाइज 1.1 में आएंगे तो यहाँ से शुरू होती है आपकी एक्सरसाइज 1.1। अगर हम बात करें इसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथी, तो यहाँ पर देखिएगा आप प्यारे साथी, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF into LCM होता है। प्यारे साथी, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है, इसे ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। इस प्रश्नावली का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है, मैंने रेड स्केच से सारे मार्क किए हुए हैं, वही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप यही वाले प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पहले तो आपको 95% पाने से कोई नहीं रोक सकता। पहले साथ ही ये चौथा नंबर प्रश्न जो है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है और LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए इसे पूरा सॉल्व करके जाइएगा। अब चलते हैं अगली प्रश्नावली में, जो इसी चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 है। प्यारे साथी, इसमें भी बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, अगर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वैसे तो आपको सभी सॉल्व करने चाहिए। अगर आपको नहीं आता इस तरह के प्रश्न सॉल्व करना तो मैंने आपको कक्षा 10 गणित इसी वाले चैनल पर, सर्वन लेक्चर यूट्यूब चैनल पर एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो प्यारे साथी सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि √2 और √5 सिद्ध कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को आप ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा बोर्ड परीक्षा में प्यारे साथी। अब हम बात करें अगले अध्याय की, यहाँ पर हमारा पहला अध्याय खत्म होता है। अब दूसरे अध्याय के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्यारे साथी, यहाँ पर आया प्रश्नावली 2.1, एकदम बेहतरीन सा प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्स अक्ष को जितनी बार रेखा काटेगी उसके उतने शून्य होंगे, इसे आप वैसे देख लीजिएगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सारी बुक लगानी चाहिए, सभी क्वेश्चन हल करने चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्नावली में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे। अब हम चलते हैं अगली प्रश्नावली में, जो कि है प्यारे साथी हमारी प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी मैं कह सकता हूँ इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में कह सकता हूँ। वैसे तो ये ज़्यादा अंक का नहीं पूछा जाता है प्यारे साथी, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 2 अंक का या 1 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाता है, लेकिन ये 2 अंक के प्रश्न ही आपके अंक को बढ़ाते हैं। तो इन प्रश्नों को ज़रूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। इसे सॉल्व करने से क्या होगा कि आपके 1-2 प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शनल में भी एक पूछ लिया जाएगा, एक अति लघुत्तरीय में पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रश्नावली से आपको ज़रूर सॉल्व करके जाना है। अब चलिए चलते हैं अध्याय 3 पर, जो हमारा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथी, इसे अब हम
बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सारे प्रश्नावली के आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा जो कई बार पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों की जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि अगर प्रश्नावली 3.1 की हम बात करें तो ये जो प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न प्यारे साथी मैं कहूँ तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कहना चाहिए इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना चाहिए। अक्सर आपको 7 अंक के क्वेश्चन में, 6 अंक के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, या 4 अंक के क्वेश्चन में आपको ये प्रश्न मिल जाता है। अक्सर ये आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। अंतिम प्रश्न जो होगा वो इसी पर आधारित होगा। ग्राफ वाला प्रश्न हमेशा 6 अंक का आता है, तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप सभी क्या कीजिएगा, इन दोनों प्रश्नों को, जो दोनों प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें सॉल्व करके जाना है जैसे दिया गया है कक्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, प्रश्न संख्या 1 का। जो ये पहला प्रश्न है कि कक्षा एक्स यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे साथी, इसे मैंने सॉल्व कराया है इसी वाले यूट्यूब चैनल पर। आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और क्लास 10 मैथ की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन मिलेगा और वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथी, जिसमें आपको अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती हैं या समांतर या संपाती है। यानी कि हमें बताना है इसमें कि प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएँ, समांतर हैं या संपाती हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, आप देखेंगे तो ये प्रश्न अक्सर आपको मिलेंगे प्यारे साथी अति लघुत्तरीय प्रश्न में। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उसमें आपको दिखेंगे, और ये प्रश्न अक्सर एक एक अंक के पूछे जाते हैं, 2-2 अंक के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम बात करें तीसरा प्रश्न इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 3.1 का जो तीसरा प्रश्न है, जो बहुत बार रिपीट किया गया है, यानी कि कहा जाए अगर आप देखेंगे तो 2018 में भी पूछा गया, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, 23 में और 24 में भी पूछा जाएगा प्यारे साथी। वो प्रश्न है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की विमाएँ ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथी, ये प्रश्न अक्सर आपको मिल सकता है 3 से 4 अंक के प्रश्नों में, तो 4 अंक के प्रश्नों में ये क्वेश्चन मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्तरीय में पूछा जा सकता है, तो इसे ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा एग्ज़ाम में, और इसे सॉल्व करने के बाद आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ सकता है। तो प्यारे साथी, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे और भी सभी चैप्टर्स के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसके बाद बात करें तो प्रश्नावली जो 3.2 है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो आपको प्रश्न संख्या 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहले तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना आना चाहिए, तो इसे आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है, लेकिन अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। पूछ लिए जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में या अलघुत्तरीय प्रश्न में आपके पूछे जा सकते हैं, तो इसे ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। इसके बाद हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका है प्यारे साथी, वो है यही वाला 2x+3y=11 और 2x-4y=-24। अब मार्क करते हुए चलिए, मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने VVI लिखा है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 अंक का क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है, 1-2 अंक में पूछा जाएगा, लेकिन ये एक एक अंक से ही मैथ में आपके अच्छे अंक बनते हैं, इसलिए इन्हें इग्नोर नहीं करना है। ये क्वेश्चन क्या है कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आपको सॉल्व करके जाना है। अपनी NCERT बुक में आप मार्क करते हुए चलिए, जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे मार्क कीजिए और उसे सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद बात करें तो ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है, आप देखेंगे तो हर वर्ष के पेपर में ये प्रश्न आपको अक्सर मिल जाएगा, चाहे 18 का हो, 19 का हो, 20 का हो, यानी किसी न किसी सेट में। अगर इस यूपी में कुल 6 सेट 5 सेट के पेपर आते हैं, तो आपको
लगभग 3 से 4 सेट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये वाला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। और ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक से हाई लेवल तक ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मैंने अपनी वीडियो में बताया है। चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो और जाओ वीडियो देख लो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करें प्यारे साथी, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगर टैक्सी वाला प्रश्न पूछा जाता है कभी कभार, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आएगा तो ये नॉर्मली नहीं आएगा, ये आएगा तो अपने 6 अंक के साथ आएगा और 6 अंक आपको देकर जाएगा, तो इसे ज़रूर आप सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद ये वाला प्रश्न जो है जैकब की आयु और पुत्र की आयु वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे उसमें VI लिख दिया है, जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसमें VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। अब चलिए अब हम बात करते हैं अगली प्रश्नावली की, तो अगली प्रश्नावली जो आपकी है प्यारे साथी, वो मैं बताना चाहूँगा कि आपको वैसे तो चैप्टर एक बार रिवीजन कर लेना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपको प्रतिस्थापन विलोपन विधि आनी चाहिए तभी आप ये प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, यही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो प्यारे साथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो अंश ये वाला प्रश्न है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, 4 से 5 अंकों में आपका पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा ये प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्यारे साथी ये नूरी वाला प्रश्न आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, इसे ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, ये आपको देगा अच्छा अंक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करें तो ये दो जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, तीसरा वाला प्रश्न कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या को 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये आपको सॉल्व करना है प्यारे साथी, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, इसे भी मार्क कर लीजिएगा इन तीनों प्रश्नों को। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में, अब चैप्टर नंबर 4 की बारी आई है, अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अब हम सॉल्व यानी कि आपको बताने वाले हैं, आप फटाफट आप मार्क कीजिए, अब हम तेज़ी से मार्क करेंगे। जो प्रश्नावली 4.1 है इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ परिचय दिया गया है, तो उतना इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं प्रश्नावली 4.2 से, बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इसे सॉल्व करके जाना है प्यारे साथी, कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं, तो इन्हें आपको सॉल्व करके जाना है, और ये तीसरा आपको सॉल्व करना है, इसे मैं कह सकता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी मार्क कर लीजिए, फटाफट मार्क करते चलिए, ये वाला प्रश्न आपको 4 या 6 अंक में मिल सकता है, बड़ा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा और आपको अच्छा अंक देकर जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 4.3 की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है इंपॉर्टेंट है, इसे आपको सॉल्व करके जाना है, ये आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मिल सकता है, और ये वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सॉल्व करके जाना है। अब हम बात करें तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है, अब चैप्टर नंबर 5 की बारी है, अब चैप्टर नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी हम मार्क करेंगे, तो चलिए फटाफट हम मार्क करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्यारे साथी ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 5.1 की, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं मार्क कराने वाला हूँ। प्रश्नावली 5.1 में मुझे कोई बहुत ज़्यादा विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले, वैसे आपको सॉल्व करके जाना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं सॉल्व करेंगे तब तक 5.2 आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जैसे परीक्षा के कुछ दिन पहले या 3-4 दिन पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, तो इस चैप्टर में कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो परीक्षा में आएगा, ये सिर्फ परिचय के लिए था कि विद्यार्थी समझें। और अब मेन क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी के, जो परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं प्यारे साथी, वो प्रश्नावली 5.2 से पूछे जाते हैं। इस प्रश्नावली में आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, और कठिन कठिन प्रश्न भी हैं, आसान आसान प्रश्न भी हैं, तो इन्हीं से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ऑप्शनल में आपका अक्सर ये पूछ लिया जाता है ये वाला प्रश्न, इसे मार्क कर लीजिए। इसके बाद हम बात करें तो प्यारे साथी आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपका समय हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथी वो है क्वेश्चन नंबर 6।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 8 आप मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 मार्क कर लीजिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं बताऊं तो आपका ये वाला प्रश्न मैंने मार्क कभी नहीं किया है, तो ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले साथ ही। और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसे मार्क कर लीजिए, इसी से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला रामकली वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें मार्क कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगली प्रश्नावली में, जो कि प्रश्नावली 5.3 यानी कि एक्सरसाइज 5.3 है। इस वाले प्रश्न में आप देखेंगे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, ये वाला प्रश्न सॉल्व करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 10। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं परीक्षा में, और भी आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि आप चाहें, तो ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी मार्क कर सकते हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे साथी, और भी कई प्रश्न हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, मार्क करते हुए चलिए, सारी चीज़ें आपको पता होने वाली हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है प्यारे साथी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी ईपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों का संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। प्यारे साथी ये क्वेश्चन की बात करें तो आपको लघुत्तरीय या अति लघुत्तरीय प्रश्न में मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लघुत्तरीय यानी कि 4 से 5 अंकों में मिल सकता है, और ये वाला प्रश्न आपको दीर्घोत्तरीय में भी मिल सकता है, तो इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। अब हम आते हैं अपने त्रिभुज वाले अध्याय में, और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथी अब हम त्रिभुज वाले चैप्टर में आए हैं, तो त्रिभुज वाले चैप्टर में आप देखेंगे तो जो 6.1 है आपका वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इससे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति है, तो रिक्त स्थान तो आप भर लेंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेखागणित से, त्रिभुज से, तो जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे साथी वो इस प्रश्नावली से पूछे जाते हैं, प्रश्नावली 6.2, और इसमें जो पहला ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न दिया हुआ गया है, और ये एक प्रश्न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि रेखागणित सभी बच्चों के दिमागों में समझ में नहीं आती है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इन्हें ज़रूर आप सॉल्व करके जाइएगा प्यारे साथी, इन प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व करके जाइएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न संख्या 4 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो इसे भी मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल 10 हैं, तो आप इतने क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लगा कर जाएँ, लेकिन अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर प्यारे साथी, अगले एक्सरसाइज की बात करें तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे एक बार तो फिर आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरी की पूरी बुक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथी, तो ये प्रश्न संख्या 1 आपको पूरा सॉल्व करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुविकल्पीय प्रश्न में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो त्रिभुज अध्याय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी कई प्रश्न आ जाते हैं, विद्यार्थी नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो इन्हें आप बेसिक से समझिएगा एकदम अच्छे तरीके से। रेखागणित थोड़ा बच्चों को कठिन भी लगती है, तो मैंने आपको एकदम आसान तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं मैथ की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें बेहतरीन तरीके से आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। अब इधर देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ये सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया प्यारे साथी 4, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा आपको इसे अच्छे तरीके से करना है प्यारे साथी, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 7 में, अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी विषयों की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं,
और बोर्ड एग्ज़ाम में आप अपने 95% अंक पक्का करना चाहते हैं या 90% अंक से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्यारे साथी आपको क्या करना है, पूरी वीडियो ये देखनी है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम सन 2024 की पूरी तैयारी के लिए, सभी विषयों की तैयारी के लिए हमारा एक बैच है जिसका नाम है टॉपर बैच। इस टॉपर बैच आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे सरवन लेक्चरर ऐप, जो कि यूट्यूब चैनल का भी नाम है। जब आप प्ले स्टोर पर सरवन लेक्चरर ऐप सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा ऐप आएगा, और फिर आपको क्या करना है, उस ऐप को डाउनलोड करना है। अगर हम बैच की बात करें, टॉपर बैच से पिछले साल लगभग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने अच्छे अंक प्राप्त किए थे, तो इस बार भी बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स, कोई भी कॉपी पेस्ट का सिस्टम नहीं है, हैंड रिटन यानी कि मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, लिखे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबके नोट्स मिलने वाले हैं, आर्ट्स के भी नोट्स मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा, और अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चलाई जाएगी, उसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको टेस्ट भी मिलेगा एग्ज़ाम के पहले। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं प्यारे साथी। वैसे तो इस बैच का प्राइस 1499 था, लेकिन आप सभी के लिए मैंने इस बैच का प्राइस 799 कर दिया गया है, तो जल्दी से परचेज कीजिए और हमसे जुड़िए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। और आपको डाउट ग्रुप भी प्रोवाइड करा जाएगा जिससे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जो और भी क्वेश्चन हैं उन्हें जानने की तरफ। तो निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन है, फटाफट आप मार्क करते चलिए और बेहतरीन तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 7.1 यानी कि जो आपकी प्रश्नावली 7.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको मार्क कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करके जाना है, एग्जाम के पहले ही इन्हीं से प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। इसके बाद प्यारे साथी अगर हम बात करें तो आगे प्रश्नावली 7.2 आती है, और इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको सॉल्व कर लेना है एग्ज़ाम में जाने से पहले, या अभी मार्क कर लीजिए बुक में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करते चलिए फटाफट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 की बात करें, ये और भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको लिख दिया है VVI, ये सम चतुर्भुज वाला क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है, इसे आप सॉल्व करके जाइएगा प्यारे साथी। इसके बाद चलिए अब हम चलते हैं, अब हमारी आ गई है नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ये अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चैप्टर समझ लीजिए आपके इस मैथ के रीढ़ है, यानी कि मैं क्या कहूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि इसी में बच्चे क्या करते हैं कि गलती करते हैं और उनका अंक कम आ जाता है। तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप बेहतरीन तरीके से मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं एकदम प्रॉपर रिसर्च करके बताए हैं, सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख कर बताए हैं, ऐसे नहीं बताया है, तो आपको इन्हें बेहतरीन तरीके से समझना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे नॉर्मल सा प्रश्न है लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 अंकों के प्रश्न में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से फटाफट मार्क करिए। अब चलते हैं प्रश्नावली 8.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उन्हें देखने। तो अब हम प्रश्नावली 8.2 की बात करें प्यारे साथी, तो प्रश्नावली 8.2 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके सारे प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा, एक भी मत छोड़िएगा, क्योंकि सिर्फ 5 प्रश्न है लेकिन इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई निर्धारित नहीं है कौन सा पूछा जाएगा, लेकिन इन पाँचों को आप जब सॉल्व करके जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका इस एक्सरसाइज का, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है, कुल 4 प्रश्न हैं, इन्हें जरूर सॉल्व करके जाइएगा। और जो कि इस प्रश्नावली 8.2 का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। और प्यारे साथी अगर नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस स्टार्ट हैं, रेगुलर वीडियो अपलोड किए जाते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद प्यारे साथी अगर हम बात करें प्रश्नावली 8.3 की, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, और यही प्रश्न है जिससे बच्चे, ये प्रश्न अगर हम बात करें तो ये 6 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ ये सर्वश्रमिका वाला प्रश्न नहीं कर पाते हैं, इसमें सिद्ध करना रहता है,
और अगर आप इसे नहीं जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं और इसे प्रूव करना है। इन सारे प्रश्नों को आप प्रूव कर लीजिएगा, ये वाला भी प्रश्न आप प्रूव कर लीजिएगा। इसके बाद इधर बात करें प्यारे साथी, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने मार्क कर लिए हैं, ये जो जो ब्लू कलर से मार्क हैं उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं पाठ 9 में जो कि हमारा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इस प्रश्नावली से एक प्रश्न, एक से दो प्रश्न, दो प्रश्न पक्के हैं। दो प्रश्न हमेशा आते हैं, उसमें एक करना रहता है, लेकिन दो प्रश्न हमेशा आते हैं। लिख कर ले लीजिए कि ये जरूर आएगा, ये जरूर आएगा, इसे जरूर आना है। मैं कह दूँ इसे जरूर आना है, ये नहीं आएगा तो मैथ का पेपर ही नहीं होगा। मतलब ये हर साल आता है इससे प्रश्न, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी मार्क कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ ये सारे प्रश्न आप सॉल्व करिएगा अगर समय है आपके पास, नहीं है तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट को सॉल्व करके जाइएगा क्योंकि ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं प्यारे साथी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करके जाना है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। इससे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं और इसे आप आसानी से नहीं ले सकते, ये ज़रूर पूछा जाता है, तो इसे आपको सॉल्व कर लेना है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप मार्क कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 10 में जो कि हमारा है वृत्त। वृत्त का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथी, जो प्रश्नावली 10.1 है इसमें रिक्त स्थान है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा और ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चाहे पूछ लिए जाएँ तो आप एक बार देख लीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप प्रश्नावली 10.2 सॉल्व कर लेते हैं तो वो भी सॉल्व कर लेंगे प्यारे साथी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें सॉल्व करके जाना है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। और अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, फटाफट हम चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस अध्याय के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हें मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथी, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में इससे भी एक प्रश्न पक्का रहता है, यानी कि लघु उत्तरीय में तो दो प्रश्न पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय में सिर्फ दो प्रश्न मुश्किल से पूछे जाते हैं परीक्षा में 2 से 3, और उसमें एक प्रश्न इसका पक्का रहता है, तो ये प्रश्न जरूर आएगा। तो इसमें देख लीजिए, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी मार्क कर लीजिए, जो क्वेश्चन बताने से चल रहा हूँ उसे मार्क करते हुए चलिए प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अगली प्रश्नावली की, जो कि है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर नंबर 12 है, और इस यानी कि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो आप सभी के अंक कम आ जाएंगे। इन्हें ज़रूर सॉल्व करके जाना है प्यारे साथी। जो मैंने ये दो क्वेश्चन बताए हैं, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है, ये दोनों प्रश्न जो हैं, ये दोनों प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय में देखने को मिल सकते हैं, और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 6 अंक के पूछे जाते हैं, 7 अंक के पूछे जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो अब आता है आपका प्रश्नावली 12.2 यानी कि 12.2, और इसमें ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और इसे सॉल्व करके जाएगा, और इससे प्रश्न जरूर आते हैं। इस प्रश्नावली, ये वाला प्रश्नावली जो है, इससे दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाएंगे छोटे मोटे अंक के नहीं होंगे, 6 अंक के होंगे, पूरा गलत करोगे बस 6 अंक घटा, यानी कि 2 क्वेश्चन अगर आ गए और 12 अंक आपके कट गए तो फिर आपके मार्क्स उतने रहेंगे नहीं, तो इन्हें आसानी से नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें मार्क करते हुए चलिए। अब आ गया है हमारा चैप्टर नंबर 13, और अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अगर हम समझें तो इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में खासकर और लघु उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो ये 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे मार्क कर लीजिए प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे भी मार्क कर लीजिए।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, जल्दी से मार्क करते हुए चलिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली एक्सरसाइज आई और जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज 13.2, और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पूछा जा सकता है। और इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा तो इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है कि ये वाला प्रश्न नहीं कोई दूसरा आ जाए, लेकिन ये प्रश्न ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ी में लगते हैं इसलिए दीर्घ उत्तरीय में ज़्यादा पूछे जाते हैं, या लघु उत्तरीय में 5 अंक या 4 अंक के प्रश्न में ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। अब हम चलते हैं प्यारे साथी अगले प्रश्नावली की ओर, देखते हैं इसमें और भी कोई प्रश्नावली है। जी हाँ प्यारे साथी, प्रश्नावली 13.3। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसे भी आपको मार्क कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को आपको मार्क कर लेना है, और ये 3 क्वेश्चन थे इस प्रश्नावली के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम बात करें प्यारे साथी, तो इसके बाद बात करें प्रायिकता आती है। प्रायिकता एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे आपको प्रश्न लघु उत्तरीय में दीर्घ उत्तरीय में हो सकता है मिल जाए, वैसे मुश्किल रहता है, लेकिन 4 से 5 अंक के प्रश्न में ज़रूर पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में और अति लघु उत्तरीय में 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेकिन टोटली अगर हम बात करें तो 2 से 3 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसे समझ लीजिएगा। इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एक ही एक्सरसाइज है इसमें 14.1, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इस एक्सरसाइज से आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे साथी अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 14.1 का, और क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको सॉल्व करके जाना है। इसके बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 17 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे गए हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 23। तो इन सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करके जाना है। इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया तो इसके बाद आपको कुछ नहीं आएगा इसके बाहर, इसके बाद आपका आ जाता है गणित की उत्पत्तियाँ, इससे कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो प्यारे साथी यहीं पर मैंने क्या बताया आपको, आप ध्यान से समझिएगा। तो आपको मैंने ऑल चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट यानी कि VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जितने क्वेश्चन बताए हैं मुझे लगता है कुछ नहीं तो मैंने 100 क्वेश्चन लगभग, या इतने क्वेश्चन अप्रॉक्स मैंने आपको बता दिए होंगे। इन सारे प्रश्नों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पूरी बुक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चन एक तरह से रट लो, यानी कि इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं हरा सकता, यानी कि आपका 90% पक्का है मैथ में, यानी कि 90 से नीचे तो पाओगे ही नहीं, आप 95 भी आसानी से ला सकते हो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद। तो प्यारे साथी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।